घर छोटा है तो क्या, दिल बड़ा रखिए। कोई मदद मांगे तो उसे मदद देने का हौसला रखिए। कुछ सपनों का साथ छोटा, कुछ अपनों का हाथ छोटा। जिंदगी बहुत जद्दोजहद का नाम है। न जाने कितने लोगों का कितनों से साथ छोटा। आज का दिवस यानी कि 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाने के पीछे क्या उद्देश्य है जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन वर्ल्ड रिफ्यूजी डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसके लिए हमें जागरूक क्यों होना चाहिए, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ये दिवस सेलिब्रेट करने के पीछे जो कारण है वो शायद उन लोगों की स्थितियों से लोगों को अवगत कराना है जिन्होंने दुनिया में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ खोया है, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ा है, अपने घर को छोड़ा है, दूसरों के यहाँ शरण ली है। पिछले 20 सालों में शरण लेने वालों की संख्या दोगुनी हुई है, यानी कि कई लोग अपना घर द्वार छोड़कर या यूँ कह दें कि उनका सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए उन्हें दूसरे के यहाँ शरण लेनी पड़ी। इस स्थिति से अवगत होने के लिए आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उनके सम्मान के लिए ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे बहुत सारी और भी कहानी है, बहुत सारे और भी रीज़न हैं जिन्हें जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जो कि 20 जून को मनाया जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, ये दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 4 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। 2000 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया गया। सभी शरणार्थियों को सम्मानित करने और जागरूकता बढ़ाने और समर्थन करने के लिए यह दिवस स्मरण किया जाता है। ज्यादातर हम शरणार्थियों को लेकर भयभीत होते हैं या उनके बारे में हमारा कुछ निगेटिव प्रोफाइल होता है, लेकिन उनकी स्थिति अगर आप जानेंगे, उनकी स्थिति से अवगत होंगे तो शायद आपको भी कष्ट होगा। प्रत्येक विश्व शरणार्थी दिवस अपने घरों से भागने के लिए मजबूर किए गए लाखों शरणार्थियों के साहस और दृढ़ता को, उनकी मेजबानी करने वाले समुदाय की उदारता को और उनकी मदद करने वाले मानवीय सहायता साझेदारों की एकजुट वैश्विक कोशिश को मान्यता देने का अवसर प्रस्तुत करता है। हम आज के दिन इस दिवस को यदि समझें तो ये एक गंभीर वैश्विक संकट भी है जो अब ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। लगभग 26 मिलियन से अधिक शरणार्थियों सहित विस्थापन को मजबूर हुए 42 मिलियन से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। ये आंकड़े इस वर्ष के विश्व शरणार्थी दिवस के लिए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की थीम मिलकर हम पीड़ा कम करेंगे सीखते हैं और प्रगति है सभी राष्ट्रों से कार्रवाई की अपेक्षा करते हैं ताकि शरणार्थियों को सुरक्षित जीवन रक्षक देखभाल और सीखने के अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पर शरणार्थी ना हो या जहां से लोग भाग के ना गए हों। अभी हाल ही में यूक्रेन से जो लड़ाई हुई है उसमें भी बहुत सारे ऐसे वहां के निवासी हैं जिन्होंने अन्य देशों में शरण ली है। तो शरणार्थियों के जीवन के बारे में यदि आप सोचेंगे तो आपको निश्चित रूप से एक मानवीय वेदना होगी, क्योंकि किसी व्यक्ति का घर छूटना, किसी व्यक्ति का जनजीवन उजड़ जाना, इतना आसान वो दर्द नहीं होता। और उस दर्द को समझने के लिए आज का दिवस यानी कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे सेलिब्रेट किया जाता है। लोगों को इसके बारे में जागरूकता हो, जानकारी हो, इसलिए इस दिवस को मान्यता दी गई है संयुक्त राष्ट्र द्वारा। तो उम्मीद करते हैं ये दिवस आपको यदि पता था तो कमेंट सेक्शन में लिखें, नहीं पता था उसके लिए वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में लोग जान सकें कि रिफ्यूजी अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को खत्म करके किसी के शरण में आते हैं। ये उनके लिए आसान नहीं, ये किसी के लिए भी आसान नहीं। तो आइए मानवता दिखाएं, मानवीय कदम बढ़ाएं, लोगों को शरण दें, उनके जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।